खबर लखीमपुर खीरी से है। 14 साल बाद औलाद पैदा होने की खुशी में फूले नहीं समा रहा था पिता। लापरवाह डॉक्टरों के चलते हुई नवजात शिशु की मौत। डॉक्टरों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। इस बार मामला महिला अस्पताल से जुड़ा है। यहां प्रसव पीड़ित महिला की डॉक्टरों ने डिलीवरी तो कर दी, लेकिन लापरवाही के चलते नवजात शिशु की मौत हो गई। महिला का पति नवजात शिशु के शव को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां पर जिलाधिकारी के सामने उसने पूरा मामला बताया। महिला के पति गुलाम नबी निवासी लालपुर बैरियर ने जिला अधिकारी को सौंपी शिकायत पत्र में कहा कि अस्पताल की महिला डॉक्टरों में उसकी पत्नी का पेट लापरवाही से कई बार दबाया, जिससे पैदा होने वाले नवजात शिशु की मौत हो गई। जिला महिला अस्पताल में महिला डॉक्टरों की लापरवाही का यह कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी कई मामले धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की कार्यशैली को उजागर कर चुके हैं। फिलहाल अधिकारी अब मामले में जाँच की बात कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। उसके बाद ग्यारह बारह बजे तक चलता रहेगा दर्द होती रही। तब हमने पूछा, हमने डॉक्टर साहब ने कहा कोई भीड़ बढ़ाने वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताना, तो हमने दिक्कत कोई नहीं है तो काम का पैसा दे दो। तो हमने कहा ठीक है, हम भरोसे पर रहे उनके। तो उन्होंने सुबह सर धोखेबाजी नहीं करते तो हम आपसे फोन करा दो साथ में काम है। चलो हाँ भाई, साहिल का आ जाए तो चलिए साहिल काफी कराने अभी एक नवजात शिशु को लेकर एक व्यक्ति आया था, वो आरोप लगा रहा था, क्या मामला है? एक काशीधाम कॉलोनी का व्यक्ति था, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। उसने कल 8:30 बजे अपनी पत्नी को एडमिट कराया जिला चिकित्सालय में। उसका ये कहना था कि डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी बच्चे की मृत्यु हो गई। अब क्या सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, अब जब जांच होगी तभी पता चलेगा। वो व्यक्ति बहुत दुखी था, बता रहा था कि 14 साल बाद उसका बच्चा ये हुआ था। तब क्या सच्चाई है इसकी जांच का ही विषय है। ये हमारे यहाँ मरीज सब्बो नाम की रात में भर्ती हुई थी करीब 9:45 बजे, और बच्चा इनका 2-3 दिनों से मरीज के हिसाब से डोल नहीं रहा था। डॉक्टर मीनाक्षी चौधरी की ड्यूटी थी, उन्होंने मरीज को देखा और बताया कि ये आपका बच्चा जो है हमें सही नहीं लग रहा है, बच्चे के ज़िंदा होने की संभावना कम लग रही है, आप इसमें इसका दस्तखत दे दीजिए। तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ दस्तखत सस्तर नहीं दूंगा। फिर कहने लगे अच्छा लिख लीजिए, मैं दस्तखत कर देता हूँ। उसके बाद जो है सुबह डॉक्टर अर्चना ने ओवर लिया उस, और डिलीवरी के पहले हमारे यहाँ 3 सब लोग राउंड करते हैं, बच्चे को देखा गया, 2-3 डॉक्टरों ने इनको देखा और इन्होंने डिलीवरी के पहले आधा घंटे पहले बता दिया कि आपका बच्चा ठीक नहीं है बिल्कुल, और सीजर इजर से किसी भी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे के सिर की हड्डियाँ टूटी लग रही हैं और ये बच्चा ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करते हैं। उसे करीब 20-25 मिनट बाद उसकी डिलीवरी हो गई। बच्चे के शरीर की पूरी स्किन उधड़ी हुई थी, जो कि ज़्यादातर बच्चा अगर 1-2 दिन पहले से पेट में मरा रहता है तो इस तरीके से उसकी स्किन उधड़ जाती है। और कितने साल से हैं आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? 4 साल से। 4 साल जी। मामला यही सर, जब कल 8:30 बजे डिलीवरी केस था तो मैंने एडमिट कराया था जिला अस्पताल में, और मुझसे कहा था कि मतलब जो है आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी और दिक्कत घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो रात में उन्होंने दर्द के इंजेक्शन लगाए, रात में हल्का हल्का दर्द होता रहा, फिर सुबह एक टाइम पर और इंजेक्शन लगाए, तेज़ दर्द हुआ, फिर उसके बाद में फिर सुबह 8 बजे हमने वो 6 बजे के टाइम पे लगभग हमने पूछा तो हमने उनसे कहा, हमने कही मतलब बच्चा ठीक है, तो बोले बच्चा भी ठीक है और वो भी बच्चा भी ठीक है, दोनों लोग ठीक हैं और बच्चा 1-2 घंटे में टाइम लेगा हो जाएगा वो। फिर उसके बाद में उन्होंने 9-10 बजे के टाइम पे लगभग कहा कि बच्चा आपका फंस गया है और जो है बच्चा अब आप लिख के दीजिए कि बच्चा आपका कल ही मर गया था। ये किसने बताया? ये आप वहाँ की डॉक्टर ने जो कहा कि जब
जो नर्स वहाँ पे बैठी थी उन्होंने भी यही कहा था, और जो डॉक्टर लेके गई थी अंदर हमको दिखाने के लिए वो भी यही कह रही थी। ये सर रात में जो ड्यूटी पे थे उनकी भी लापरवाही है, और जो दिन में थे उनकी भी लापरवाही है। यहाँ डीएम साहब के यहाँ आए हैं अपने फरियाद लेके, सर हमको न्याय चाहिए।